हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे भाग 4, और जिस भाग 4 के अंतर्गत आपको पता है क्या है, राज्य के नीति के निदेशक तत्व। तो इसमें जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, और जहां से क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं अनुच्छेदों को देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, 36वां परिभाषा दी गया है, 37वां इम्पोर्टेंट नहीं है, 38वां बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट जो है 39 से स्टार्ट होते हैं। देखिए, 39 अनुच्छेद में क्या कहा है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। तो वो तत्व क्या होंगे, जैसे 39 का के अंतर्गत दिया गया है, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, यानी कि स्त्री और पुरुष को समान रूप से अधिकार दिया जाएगा जीविका से संबंधित साधन प्राप्त कराने के लिए। और 39 घा के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण ये है कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। तो अक्सर क्वेश्चन आ जाता है समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है, तो वह है आपका 39 में। और 39 जो का दिया गया है आपका, उसके अंतर्गत है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। तो इसे आप ध्यान में रखें, 39 का। और अनुच्छेद 40 में दिया गया ग्राम पंचायतों का गठन जो हुआ है वो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत हुआ है, और इसको गांधीवादी अनुच्छेद भी कहा जाता है। गांधी जी की प्रेरणा से लिया गया था ये ग्राम पंचायतों का गठन, जिसमें हमने भाग 9 खा जोड़े थे बाद में, तो ये आपको पता होगा। अनुच्छेद 41 में क्या है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, यानी कि सब्सिडी एक तरह से हम देते हैं, तो वो लोक सहायता पाने का जो अधिकार है वो कहाँ से है, 41वें अनुच्छेद में। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको मनरेगा है, तो मनरेगा किस अनुच्छेद के तहत एक तरह से गठित करी गई, किस अनुच्छेद के प्रेरणा से गठित की गई है, तो वो है आपका 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 में क्या है, अनुच्छेद 42 में है काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता उपबंध। तो इसे आप ध्यान में रखें थोड़ा सा। 43 में क्या है अनुच्छेद, अनुच्छेद 43 में है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, यानी कि वेतन। और 43 का के अंतर्गत जो है वो है आपका उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। और महत्वपूर्ण है आपका अनुच्छेद 44, नागरिकों के लिए एक समान आचार, समान सिविल संहिता, यानी नागरिक संहिता। अक्सर ये एक तरह से सुर्खियों में बनी रहती है। अभी अक्सर आपने टीवी पर मुद्दे सुने होंगे, सवाल सिविल संहिता को लागू करने के लिए सरकार ने ये किया, या फिर कोर्ट ने ये कहा आने वाले समय में हम सिविल न्याय संहिता जो है, समान सिविल संहिता लागू करने जा रहे हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम 3 तलाक जैसे मुद्दे, ये सब आते हैं आपके अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आते हैं। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यानी कि समान रूप से राज्य के अंतर्गत जो भी लोग हैं उनके लिए समान नियम कानून एक तरह से होंगे। देखिए, अनुच्छेद 45 में क्या है, बालकों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें जो कहा गया है वो 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का उपबंध करे राज्य, तो ये बताया गया है इसमें। और 46 में क्या कहा गया है, अनुसूचित जातियों, इसे इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृत्ति, यानी कि उनको भी एक तरह से अधिकार दिया जाए जो वंचित हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, दुर्बल वर्गों से संबंधित हैं। देखिए, अनुच्छेद 47 क्या कहता है, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों को एक तरह से प्रतिषेध लगाया जा सकता है। तो एक तरह से जो गुजरात और अन्य कई 4-5 राज्य हैं जहां पर प्रतिबंध लगा दिया गया है मादक पेयों पर, जिसमें शराब है, तो वो किस अनुच्छेद के तहत लाया गया है, तो ये है आपका अनुच्छेद 47, तो इसे आप ध्यान में रखें। देखिए, 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन का संगठन। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों को परिरक्षण करना, यानी कि जो दुधारू पशु हैं, कोई भी हो, दुधारी पशु गाय हो, कोई भी हो, और तो उनका एक तरह से परिरक्षण करना। तभी तो हमारे देश में एक तरह से गाय को बचाने की बात चलती है, क्योंकि हमारे 1948 में गायों को एक तरह से परिरक्षण करने के लिए एक तरह से दिशा निर्देश दिए गए हैं इस वजह से। और हम इसे एक धर्म और जाति से संबंधित मान लेते हैं, वो गलत है एक तरह से, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। देखिए अनुच्छेद 48 का के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बाद में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। देखिए इसमें क्या कहा गया, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे अब दिमाग में रख लीजिए। जो सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहा है वो इसे अच्छे से ध्यान में रखना, किस किस की बात करेगी इसमें, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। तो ये कहा गया है इसमें, मान के चलिए मानव की रक्षा ऐसे करके दे देंगे और फंसा देंगे आपको थोड़ा सा, तो ये क्लियर होना चाहिए। और इसी प्रकार से 49 में क्या कहा गया है अनुच्छेद, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, अक्सर राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। तो ये आपको ध्यान में रखना है बिल्कुल, क्योंकि इसको क्या करते हैं क्वेश्चन बनाने वाले, आपके मौलिक कर्तव्य जो है हमारे आने वाले समय में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तो मौलिक कर्तव्यों के साथ दे देते हैं, 3 मौलिक कर्तव्य दे देंगे, चौथा ये रख देंगे, तो ऐसा लगेगा हमें कि ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य। देखिए राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, तो ये है एक तरह से राज्य को करना है ये, तो ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अनुच्छेद 50 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग अपनी सेवाएं प्रदान करेंगी और अपने अपने नजरिए से, दृष्टिकोण से काम करेंगी जो लोक हित के लिए लाभकारी होगा, तो ये ध्यान में रखना है बस आपको। और आपका देखिए ये बहुत ही थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कभी कल क्वेश्चन आ जाता है, अनुच्छेद 51 से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो ये क्या है, एक तरह से हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो दृष्टिकोण है उसको प्रदर्शित करता है, और हमारा क्या है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। जैसे देखिए इसमें दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का और राष्ट्र के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहार को अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधिबद्धताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के माध्यम से निपटारा प्रोत्साहन करने का। तो ये सब चीजें हैं, बस इतना याद ध्यान में रखिएगा। अगर पूछ ले नीति निर्देशक तत्वों में कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारे किस अनुच्छेद के तहत, किस नीति निर्देशक तत्व के तहत राज्य प्रदर्शित करता है, तो वो है आपका 51। और हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण जो है यहीं पर प्रदर्शित है, शांति और सुरक्षा। तो ये बिल्कुल दिमाग में रख लें आप, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, अगला वीडियो हमारा आपको पता होगा मौलिक कर्तव्य पर आएगा, जो कि भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत आता है, तो उसको हम कवर करेंगे। और जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, उन्हें देख लें, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। और जैसा कि मैंने कई लोगों ने मुझे बताया कि सब्सक्राइब करने के पैसे लगते हैं, क्योंकि वो नए नए अभी यूट्यूब पर आए हैं एक तरह से, तो मैं बता दूं आपको सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। आप जो सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक कर दें, अपने आप सब्सक्राइब हो जाएंगे। अगर आपने गूगल की ईमेल आईडी जो है उससे यूट्यूब में एंटर किया है तब तो, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखते रहें, धन्यवाद।